So what is up guys and welcome back to another episode of Modified Cars from Kerala by Speedy Singh. So आज हम बात करने वाले हैं एक 2012 पोलो 1.2 TDI की जो कि fully modified करी गई है, यानी कि exterior या interior कुछ भी consider करोगे तो बहुत अच्छे से इसकी transformation करी गई है. तो जो इसमें modifications inclusive है वो है इसकी WRC kit and एट प्रेजेंट इसको एक गोल्फ लुक दिया गया है. बेसिकली जो वॉक्सवैगन की गोल्फ कार आती है उसका एक इंस्पायर्ड लुक दिया गया है इस गाड़ी को प्रेजेंटली. बट हम इसकी एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि जब मैं केरला गया था तब गाड़ी कैसी थी और आज कैसी लगती है ये गाड़ी दिखने के अंदर, विद सम परफॉर्मेंस मोड्स ऑन दिस कार एज वेल एज अ गुड कलेक्शन ऑफ अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड इन दिस कार. मतलब इतना ज़्यादा शौकीन है हमारे श्याम सुंदर भाई के, उन्होंने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे अलॉय व्हील्स चेंज कराए हैं, बहुत सारी बार बार ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं. हम इन सारी मॉडिफिकेशंस के बारे में आज इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं. साथ में बताऊंगा कि फाइनली कितना खर्चा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर. सो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड यस, अगर ये वाला मास्क पसंद आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी को परचेज करना हो तो कर सकते हो. And now let's get started. So, सबसे पहले बात करते हैं इस कार के ऊपर मेजर अपग्रेड की. इसका जो मेजर अपग्रेड है वो है इस गाड़ी का पेंट. जो स्पार्कल्स हैं वो आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब पेंट की क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग. जो मल्टी कलर्ड स्पार्कल्स है वो थोड़ा और एड ऑन कर देते हैं इस कार की ग्रेस को. एंड यस, जो इस कार का पेंट कोड है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता. नेक्स्ट मेजर अपग्रेड की बात करें तो इसके अंदर इंस्टॉल करी गई थी WRC किट, यानी कि दिस कार वॉज इंस्पायर्ड बाय पोलो दैट इज बीइंग सोल्ड अब्रॉड. उसके हिसाब से इस गाड़ी को पूरा तैयार करा गया, यानी कि फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर को WRC किट इंस्पायर्ड लुक दिया गया, विच लुक्स रियली क्लीन ऑन दिस कार एंड कहीं ना कहीं इस कार को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, प्लस अच्छा भी लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ, जैसे कि आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा. और फॉन्ट्स की बात करें तो जो इस गाड़ी का लोगो है, जो साइड मिरर्स हैं एंड जो इसका स्पॉयलर है उसको कार्बन फाइबर में डिप करा गया है, लुक्स वेरी गुड ऑन दिस कार. एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा नीटली इस कार को तैयार करा गया है. नेक्स्ट एक और मेजर अपग्रेड की बात करें तो दिस कार प्रोड्यूसेस 90 BHP, जो कि स्टॉक हमें 74 BHP मिलती है. ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 90 BHP, दैट मींस इसका जो इंजन है वो भी ट्यून करा गया है फॉर सम मोर एग्रेसिव पंच एंड परफॉर्मेंस. इसी के साथ ब्रेम्बो के रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स भी इस गाड़ी के अंदर ऐड करे गए हैं टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग. अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको अच्छी ब्रेकिंग भी चाहिए होगी. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्याम भाई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपनी गाड़ी के बारे में, तो उन्होंने एक एक करके बहुत सारे अलॉयज चेंज कराए हैं. बट जब मैं केरला गया था तो इस गाड़ी में ये वाले अलॉयज लगे हुए थे, विच लुक्स डिसेंट एंड स्पोर्टी. बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है इन अलॉय व्हील्स का. अगर हम साइज की बात करें तो ये है 17 inches 205/45R17 नानकैंग रबर इस गाड़ी पर यूज़ करा गया था तब. So, इस कार में परफॉर्मेंस अपग्रेड से रिलेटेड एक और अपग्रेड है, दैट इज लोअर्ड स्प्रिंग्स. इस गाड़ी में लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाए गए हैं जिसके साथ आपको 40 mm ड्रॉप मिलता है. कोबरा सस्पेंशन के लोअरिंग स्प्रिंग्स इस गाड़ी में यूज करे गए हैं. साथ में जो इसके डैम्पर्स हैं, जो शॉकर्स हैं, उनको थोड़ा स्टिफन करा गया है, यानी कि आफ्टर मार्केट स्टिफन हो जाते हैं आपके डैम्पर्स शॉकर्स. तो ये पूरा सेटअप है सस्पेंशन के लिए इस कार के अंदर, विच ही इज करेंटली रनिंग एज वेल. एक और अच्छी मॉडिफिकेशन की बात करें इस गाड़ी के ऊपर तो इसके ऊपर यूज करा गया था स्पोर्टी एलिमेंट इंक्रीज करने के लिए एक ग्राफिक, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है इस गाड़ी के हिसाब से. देख सकते हो कि जो उसका प्रॉपर एंगल है वो बेसिकली फ्रंट वाले ए पिलर से मैच कर लगाया गया है, सो दैट दोनों पैरेलल लगे एंड बहुत ही अच्छा एक लुक दे सके इस ओवरऑल गाड़ी को. यस, इट्स अमेजिंग. तो करेंटली अगर बात करें तो कार कुछ ऐसी लग रही है दिखने के अंदर. एंड इसका जो फ्रंट और रियर बम्पर है वो अगेन चेंज कर दिया गया है साइड में. साइड स्कर्टिंग्स भी थोड़े बहुत अल्टर करे गए हैं. फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर को वही सेम लुक दिया गया है जो कि आपको फोक्सवैगन की गोल्फ के अंदर मिलता है. सेम वैसा लुक देने के लिए ट्राई करा गया, कहीं ना कहीं एक इंस्पायर्ड लुक दिया गया है. सेम तो नहीं कह सकते, बट यस, इंस्पायर्ड लुक
इस गाड़ी को मिल गया है। अगर हम एक ओवरऑल कार लुक की बात करें कि कार देखने में कैसी लग रही है, तो मेरे हिसाब से इट्स लुकिंग वेरी गुड। पहले भी बहुत अच्छी लग रही थी, अब भी बहुत अच्छी लग रही है। इट्स बेसिकली अ वेरी सोबर मॉडिफिकेशन। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट टू नो कि आपके व्यूज क्या है इस कार के ऊपर, इस कार की मॉडिफिकेशंस के ऊपर। की लाइट्स की बात करें तो अब जो है इसके अंदर यूज करी जा रही हैं डबल प्रोजेक्टर मैट्रिक्स हेडलैम्प्स, एंड जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है दिखने के अंदर। लाइक पोलो एक ऐसी गाड़ी है इसके अंदर आप अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो, एंड ये गाड़ी हमेशा एक स्टैंड आउट लुक देगी आपको। साथ में अगर फ्रंट से हम और बात करें तो जो नंबर प्लेट है वो स्टॉक नंबर प्लेट है, बट उसकी जो पोजिशनिंग है उसको थोड़ा साइड में कर दिया गया है, एंड ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने के अंदर। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी बजटरी मॉड। लास्टली अगर अब हम अलॉयस की बात करें तो अगेन इस कार के अलॉयस चेंज है, बट जो साइज है वो सेम रखा गया, दैट इज 17 inches। सो जो अलॉयज अब यूज करे गए हैं वो बेसिकली गन मेटल ग्रे लुक के अंदर हैं, नॉट प्रिसाइजली बट यस गन मेटल ग्रे आपको लगेगा देखने के अंदर। एंड कहीं ना कहीं फिर से इस कार के कॉन्ट्रास्ट के साथ बहुत ही अच्छा मिक्स मैच हो रहा है, अगेन गिविंग इट अ वेरी डिसेंट एंड सोबर लुक। सो अगर हम एक एक करके अब प्राइजेस की बात करें तो जो बॉडी किट्स है वो अराउंड 60,000 की पड़ी है भाई को, व्हील्स एंड टायर्स अराउंड 70,000 के, लाइट्स जो है वो 30,000 की, स्प्रिंग्स 25,000, ब्रेक्स 14,000, ऑडियो फॉर सब एंड एम्पलीफायर अराउंड 23,000, स्पीकर्स 8,000, इंटीरियर ब्लैक एंड आउट का भाई को पड़ा है कॉस्ट 10,000, एंड जो लैम्बो पेंट करा गया है गाड़ी के ऊपर उसकी जो कॉस्टिंग है वो 40,000 है। तो ये प्राइस लिस्ट आई है मेरे पास जो भाई ने लाइक स्पेंड करा है अपनी कार के ऊपर, एंड इससे ज़्यादा ही स्पेंड करा होगा क्योंकि भाई ने बहुत बारी अलॉयज चेंज करवाए हैं, टायर चेंज करवाए हैं, लाइट चेंज करवाई हैं, तो लगभग इस कार की जो कॉस्टिंग है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, वो मेरे हिसाब से 3-3.5 lakh तक इजीली पहुंच गई होगी जिस हिसाब से भाई ने चेंजेस करे हैं गाड़ी के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो वीडियो थी ये लास्ट वीडियो थी केरला वाली सीरीज की, इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आने वाली अंटिल एंड अनलेस आई विजिट केरला अगेन। एंड अब बहुत सारे लोग केरला भी जाएंगे, बट यस मैंने स्टार्ट करा था, तो आई होप आपको जो ये वाला इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक कुछ अच्छा कंटेंट मैंने आपको देने की कोशिश करी है, एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी ओवर दिस कह सकते हो कंटेंट या प्लेलिस्ट, मतलब जितने भी आपने मुझे सपोर्ट करा, लाइक्स करे, व्यूज दिए, एंड थैंक यू सो मच। जिसने भी अभी तक केरला सीरीज नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर आई बटन आ रहा है, आप वहाँ पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बहुत सारी कार्स मैंने दिखाई हैं। एंड एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर आपको एक सिनेमैटिक शॉट्स वाली वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारी कार्स आपको दिखाऊँ, तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल मेक अ गुड वीडियो ओवर दैट। पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के साथ में सिनेमैटिक शॉट्स डालेंगे हर एक गाड़ी के, एंड एक रिकैप काइंड बन जाएगा इस केरला सीरीज का, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विद दिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड साथ में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। सो विद दिस, स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सो जीजू साइनिंग ऑफ। कैसा रहा मजा आ गया है, मगर टायरिंग हो गया एंड तक टायरिंग हो गया। सो सबसे बढ़िया कार कौन सी लगी? दो बोलेंगे, एक सिविक। कौन सी वाली? येलो येलो वन सीजर डोर वाली भाई, और सेकंड पोलो रेड वाली राइट। तो जीजे की पसंद मुझे पता है कौन सी रहने वाली है, एक येलो वाली सिविक जिसमें सीजर डोर से, और एक अपनी पोलो। तो गाइस खत्म कर रहे हैं इस ब्लॉग को, यहाँ पर केरला वाली प्लेलिस्ट आज आपके लिए यहाँ पर एंड हो रही है। तो मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है, आपको क्या क्या करवाना है। मेरी तरफ से ये कार जो अपनी व्हाइट वाली कार थी वो भी पास है, डिसेंट थी। जो लोग डिसेंट वाली मॉडिफिकेशन लाइक करते हैं वो इनसे इंस्पायर होकर कुछ कर सकते हैं आई गेस दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही है। तो ऐसी वीडियोज को शेयर करते रहो, कॉमेंट करते रहो, अपने स्पीडी सिंह को सपोर्ट करते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट। एंड लगभग बहुत मजा आया यहाँ पर आके, एंड अमेजिंग रहा मेरा ट्रिप। तो साइनिंग ऑफ स्पीडी सिंह, केरला वाला ट्रिप खत्म, एंड वापस टू नॉर्मल लाइफ।
Life is complicated, but I found in you something simple, I can wrap my head around it. Be my lady, cause you keep me around it. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me Ace of Spades. Life is anything we choose, and I would choose you, babe. I don't wanna fight, I just wanna see you. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah.